हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द मिड विकेट भाई। तो डीजे ब्रावो द चैंपियन हैज गिवन टू न्यूज उसकी तरफ से एंड से दो न्यूज आई है एंड मेरे लिए तो दोनों ही दुख वाली न्यूज है, नॉट फॉर द पर्सन सिटिंग ऑन माय राइट। डीजे ब्रावो फर्स्ट ऑफ ऑल हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। भाई साहब व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ लेगेसी दैट गाय हैज मेड। हाँ मेरे हिसाब से अगर जो हम दो T20 वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन देखते हैं वेस्ट इंडीज में, उन दोनों T20 वर्ल्ड कप्स में रादर उस एरा ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट में ड्वेन ब्रावो हैज अ मेजर मेजर रोल। एंड अगर 50 साल बाद जब हम सोच रहे होंगे फ्रेंचाइजी क्रिकेट कहां से स्टार्ट हुआ था, उसके एक वन ऑफ द पायनियर्स विल बी ड्वेन ब्रावो। इसने हर लीग में खेला होगा वर्ल्ड की, हर लीग में जाके फोड़ा होगा लीग हर वर्ल्ड की, एंड हैज बीन मेरे सबसे हाउसहोल्ड नेम जो कुछ साल पहले तक तो इंडिया में चैंपियंस होंगे उसका T20 को लिटरली बर्थ किया है, हर जगह फैलाया है कि हमारा नेशन ही टी ट्वेंटी नेशन सॉर्ट ऑफ से जाना जाएगा। डीजे ब्रावो वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने ये सब, एंड देयर कल्चर एज वेल। आई थिंक द चैंपियन सॉन्ग और हिज अपीयरेंस इन द हिज कोलैब्स विद द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हिज रोल इन द नॉट जस्ट इन द इंडियन क्रिकेट बट ऑलवेज। या मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज़ जो इसने इतनी जल्दी फ्लैश कर दी है, डीजे ब्रावो हैज किट मतलब एक सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये आ गया है कि ही हैज लेफ्ट द बॉलिंग कोच। नहीं नहीं बॉलिंग कोच अच्छा कंफर्म हो गया कि बॉलिंग कोच रोल है इधर उधर से इतनी तो भाई पैसे दे देते भाई थोड़े से भाई क्या किया है ट्रेंड एंड बैगो वाले को ब्लर करके वहां पर केकेआर का साइन बनाया है भाई। इट वाज सो सैड। तो ब्रावो ने मेरा बस ओनली मैसेज टू दोस सीएसके फैंस जो लॉयल्टी मेंशन कर रहे हैं भाई 2013 से भाई ट्रेंड एंड बैगो केकेआर से खेल रहा है भाई। भाई प्लीज यार गाइस गाइस चिल आउट यार, हमारा प्लेयर है तो मैं लोन पे दिया होता आईपीएल में प्लेयर हमारा ही है। बट तुम समझो कि जो मेन फेम राइज टू फेम जो डीजे ब्रावो को मिला है दैट हैज कम फ्रॉम द चेन्नई सुपर किंग्स कैंप व्हेन ही हैज बीन विनिंग पर्पल कैप्स, व्हेन ही हैज बीन नॉट मतलब नॉट जस्ट डेथ बॉलिंग बट पर्पल कैप्स जीत रहा है। आई थिंक द स्लोअर वन का कॉन्सेप्ट इन द डेथ ओवर वापस इसने ही री इंस्टेट करा है कि कैसे डालनी है। एंड नाउ भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो लास्ट हमने वर्ल्ड कप देखे हैं द वे ही मैनेज्ड अफगानिस्तान बॉलिंग भाई साहब बॉलिंग लास्ट if you have been following mid wicket हम लिटरली हर बार ये बोलते थे कि CSK की बॉलिंग में you could see the shades of Dwayne Bravo the way they were entering him them it was amazing to see. I'm really excited how bowlers like I mean Harshit Rana will be there in his mentorship bowling in the death it will be amazing to see. बट श्रीनाथ एक और चीज जो मैं अब KKR में उसके जाने के बाद देखता हूँ इसकी अब प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स जो तुम खरीदते थे ना as bowlers that will be a bit different. I think you guys preferred somebody like people like Mitchell Stark who are hit the deck and aapko last maybe death mein yorkers and wo pacey bouncers dal sake, but you might see some unorthodox players in KKR now jinko dekha nahi jata as good bowlers but wo log aapko kaam karke denge waisa jo aapko chahiye. A mixed variety, yes. I'll agree. Yeah, some Afghanistani players maybe Naveen Ullah finally. I know Dwayne Bravo has a liking to the players. Akhil Hussain, my personal favorite. I think he's coming to KKR after this. Let's go, bhai. Let's go. I believe Naveen Ullah to KKR. Who says no? Bhai, I'm not saying no at all. Tu bhi khush hai. I'll be really happy. And maybe some Sri Lankans to coach as well. Because CSK has had a lot of Sri Lankans jisko mentorship mili hai Bravo se. So maybe you might see somebody. Sadesh Pandey nahi aa raha, main khush hoon. You never know Shardul Thakur. You never know Shardul Thakur aa raha ho. कोचिंग ऑन द मेंटरशिप सर्किट स्टार्टिंग विद वन ऑफ द वन जिसके लिए तो पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं एक इवेंट रख के अनाउंस करा गया करा था दैट वाज ज़हीर खान टू LSG श्रेयांश द मुंबई फैमिली फाइनली मूविंग अ बिट आउट एंड गोइंग टू द गोयंकास हु आर वेरी मच रिजल्ट ड्रिवन उनको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। हाउ डू यू सी ज़हीर खान टू LSG एज अ मेंटर क्या चेंजेस लाएगा वो? First of all, I think after Gambhir, they were missing a profile like this. Zahir Khan is a welcome move, obviously. He likes to win, he likes to bowl, he likes to do unorthodox stuff as well. We have seen Zahir Khan opening by Sunil Narayan se pehle. If there was a bowler who was opening, that was Zahir Khan.
Amazing to see him going there. I think it is a very, very nice decision. You can see players like Mayank Yadav. You can see players like Yash Thakur. You can see players like Naveen Ulhak if he stays. Growing so immensely under Zaheer Khan, it will be beautiful to see. Like, watch out. And एक और मेजर चीज जो आई थिंक जो ज्यादा ड्रिवन भी है इस चीज के लिए ज़हीर खान ना जो भी मुंबई इज वेरी गुड विद द स्काउटिंग नेटवर्क्स आई थिंक दे आर द बेस्ट आउट देयर टू प्रोड्यूस टैलेंट फ्रॉम द बेस जो हमने देखा है एंड आई थिंक ज़हीर खान उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बिकॉज जितने भी कैंप्स लगाते हैं वहाँ ज़हीर खान उनको एज अ स्काउट एज अ मेंटर जाता है एंड सेलेक्ट्स प्लेयर्स सो एलएसजी राइट नाउ इफ दे नीड टू मेंटेन अ लेगेसी बिकॉज ऑब्वियसली दे आर न्यू टू द आईपीएल एज कम्पेयर टू द अदर टीम्स तो उनको एक ज़हीर खान का बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है ऑन व्हिच प्लेयर्स टू बैंक ऑन एंड क्या हाउ टू डेवलप अ स्ट्रक्चर व्हाट मुंबई हैड एंड आई एम श्योर गोयनका मस्ट बी लुकिंग एट कि मुझे भी मुंबई जैसी लेगेसी बनानी है फॉर दैट ही नीड्स एंड ये नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे अभी भी जस्टिन लैंगर इनका कोच ही रहने वाला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको अभी भी माइंडसेट वो मिलेगा But with the future, with the cricketing project that they will be building upon, Zaheer Khan will be crucial yeah, in that aspect of play. The IPL that mentors have been enforcing their play style, I'll say. Like, पीछे की coaching कुछ भी चल रही हो, the aggression, the decision makings, the overall demeanor of the players have been heavily influenced by the mentorship they're under. Yeah, लेकिन पता है वो ना हर team का अपना अपना होता है. कि कहीं पे you will have more influence from the head coach, कहीं पे you will have more influence from the mentor. And being honest, आधे लोग को तो या फिर in fact me also, I don't understand 10-12 लोगों की list होती है, चलती सबकी है. I don't understand the difference between the different roles. किसी से कितना कितना different role है. चलो, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ जो सबसे most talked about role जो change हुआ है, that is Ricky Ponting to PBK. Bro, this मेरे हिसाब से ना पंजाब एंड रिकी पोंटिंग इज एन ओमनीवरॉन नहीं पंजाब एंड ऑस्ट्रेलियंस आर समहाउ एन ओमनीवरॉन आई टेल यू व्हाई बिकॉज़ रिकी पोंटिंग जो लेफ्ट में लिखा है दैट इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स एवर आई एम रेडी टू इवन से द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ द ऑफ दिस एरा एंड देन पंजाब है जिसके पास कंसिस्टेंसी का सी डी ई एफ कुछ नहीं है एंड भाई लुकिंग एट द ओवरऑल लेगेसी ऑफ पंजाब आई विल से Have you seen? They have been captained, they have been coached by the best people out there. After a successful campaign with DC, like Deccan Chargers at that time, they had Adam Gilchrist with themselves, Michael Hussey, George Bailey, you have your Anil Kumble, KL Rahuls, you have. Yeah, in the coaching role, then you had Anil Kumble, exactly. Captaincy, mein you had Ravi Ashwin. Kya nahi tha tumhare paas? Ab literally, ko na, an immovable force moves an unmovable object. Irresistible. या तो पॉन्टिंग का कुछ खराब होएगा दिमाग या पंजाब ठीक हो जाएगी समथिंग इज गोइंग टू हैपन सो आर वी गोइंग टू सी पृथ्वी शॉ इन पंजाब पंजाब ना पंजाब में अब चेंजेस आएंगे पंजाब को एक चीज सीखनी दैट इज कंसिस्टेंसी मैं कह रहा हूँ तुम रिकी पोंटिंग चाहे तुम्हें दो तीन साल लगा था टेंथ पे भी लाए ना तुम छोड़ के पांच साल दे दो इसको इसको अगले मेगा ऑप्शन तक का कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि भाई तुझे जो करना है कर दिल्ली में रिकी पोंटिंग वॉज गुड आई अंडरस्टैंड वहां पे लोगों ने बहुत बोला था कि गांगुली एंड पोंटिंग कैन नॉट सर्वाइव इन द सेम टीम दे शोड यू हाउ दे कैन सर्वाइव ऑल्दो रिजल्ट्स नहीं आए ऑल्दो आई एग्री रिजल्ट्स नहीं आए लेकिन स्टिल रिकी पोंटिंग विल गिव यू रिजल्ट्स ओवर टाइम एंड द बेस्ट पार्ट इज रिकी पोंटिंग का पुल टुवर्ड्स द बेस्ट प्लेयर्स भाई ऑस्ट्रेलियंस आर सेट टू बी द मनी मॉन्गर्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग वो सबसे ज्यादा पैसा लेके जाते हैं मनी लॉन्डर करते हैं यहाँ पे एंड रिकी पोंटिंग के एक फोन पे कोई प्लेयर मना नहीं कर पाएगा कि मैं तुम्हारे लिए नहीं खेलने वाला क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लुएंस ऑफ रिकी पोंटिंग ऑन द ऑस्ट्रेलियन बोर्ड एज वेल काफी ज्यादा है बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आई नो ऑक्शन होता है तो यू नो प्लेयर कैन से नो बट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स व्हेन दे आर कॉल्ड अप फॉर देयर कैंप्स और फॉर द अपॉर्चुनिटी जो दी जाती है राइट नाउ पंजाब की एक ऐसी इमेज है कि मैं तो पंजाब में जाके ना खेलना चाहूँ मुझे दो तीन प्लेयर्स तो मैं तुम्हें अभी लिख के दे सकता हूँ आयरन हार्डी जैसे प्लेयर्स द न्यू अपकमिंग प्लेयर्स विल बी प्लेइंग फॉर पंजाब स्टीव स्मिथ माइट बी द नेक्स्ट कैप्टन फॉर पंजाब द आरसीबी विद द आरसीबी का ग्लेन मैक्सवेल 2014 रिपीट हो रहा है भाई 2014 रिपीट हो रहा है माइट बी सीइंग अ रिटर्न हियर एज वेल भाई And one thing जो almost confirm हो गई थी with Ricky Ponting moving to Punjab is Delhi is looking for something somebody new and that is none other than Yuvraj Singh जिसकी talks थी with Gujarat Titans and with Delhi
SRH. Things are not finalized. SRH was involved there as well. SRH as well. But I think SRH with the last year उनका इतना बढ़िया गया था तो they are not changing much out there. But and also GT ने अपनी confirmation दे दी जिसपे हम बाद में आएंगे. I think युवराज के लिए एक likely option तो लग रहा है that is going to be Delhi. देखो यार मेरे लिए युवराज सिंह को ना अभी भी test out करना in this role is very very new. But लेकिन I have very high hopes from him because a lot of youngsters that are coming up, उन्होंने very vocally आके बोला है कि युवराज सिंह उनके साथ weekly meetings लेता है, he gives them his schedules कि तुम्हें ये करना है, not being their coach, not being their mentor, just as a big brother, वो उसको उनको help करता है। Overall तुम देखोगे, युवराज सिंह has been, let's see, अभिषेक शर्मा we all know युवराज सिंह, प्रभसिमरन सिंह, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, these are some of the very few names जो मैं बता रहा हूँ, I think पंजाब की क्रिकेट is right now owing a lot to युवराज सिंह. Exactly. And तुम उसमें ही देख लो कि उनके करियर के अंदर युवराज सिंह का कितना बड़ा रोल रहा है. When अभिषेक शर्मा was breaking into the team, when अभिषेक शर्मा was saying कि टीम में जाएगा, युवराज सिंह was very vocal about the fact कि अभी रेडी इतना ज्यादा नहीं है, हो जाएगा लड़का, मेरा लड़का, मेरे को पता है. He knows his players in and out. He knows his players की like literally strengths. अभिषेक शर्मा ने अभी वीडियो डाल दी बहुत पहले मेरे ख्याल से, if I'm not wrong, युवराज सिंह के बारे में कि how युवराज सिंह and him have been practicing all day, all night long. अपने डेब्यू पे याद है? जब डेब्यू तो ही गॉट आउट अर्ली, लेकिन सेकंड मैच में जब इसने आई थिंक 100 मार दी थी या कुछ माइलस्टोन अचीव करा था, ही वीडियो कॉल्ड एंड बीसीसीआई ने पूरा फिल्म करा था वो सब चीजें. इट इज वेरी नाइस टू सी, दैट इज व्हाई आई से हमारे 2011 की जो ओवरऑल क्रॉप थी इंडियन टीम, नाउ दे आर गेटिंग इनटू इट, दे आर इन द रोल्स ऑफ मेंटर्स एज वेल, एंड इट इज ब्यूटीफुल टू सी दैट. एंड उसी में तू अब युवराज सिंह का ना बाकी लीग्स में रोल भी बढ़ता जा रहा है. श्रेयांश एक वेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंग, आई डोंट नो मेनी पीपल मस्ट हैव मेंशनड इट, रिमेंबर दिल्ली प्रीमियर लीग. We went out there and we had a proper video from Yuvraj Singh as wo. Maybe that is one of the Delhi connections we are seeing. Although I know ki itna bahut players the udhar, baki log bhi baithe the, but Delhi connection udhar ho raha hai, kya pata Delhi ke players dekhe ja rahe hain. Yuvraj Singh almost sent all of them a very like kuch bhi koi milestone kar raha tha. Yuvraj Singh is one of the first people who are releasing a video saying congratulations to the person. Exactly. So wo Delhi Premier League ko bhi ek itna bada brand ambassador bana hua hai sort of, so why not. And the player we were talking about, bhai, another 2011 crop, Nehra ji with his coconut to stay at Gujarat. Of IPL. but uska captain nahi mila hai. Shubman Gill was not that good, but theek hai yaar. I think Gujarat right now is on a stabilizing line. But now Gujarat is on a very stabilizing line. Now they have got their captain for the years to come. Shubman Gill wahan stay kar chuka hai. I am happy ki Nehra is staying because last campaign ke baad thodi cheeze upar niche ho gayi thi with Hardik going, Shami not being in the place. But I think Nehra and Gill are two personalities I think can go very well for a long time. Exactly. Nehra ji ka dimag with his coconut water is something else. He does not need technology, he does not need anything. He just needs his mind and that is how he is. And a notebook and a pencil and wo puri duniya puri league ko khatam kar sakta hai. So I hope he will be getting a fresh start with just new mega auction. I think one of the people who will be really benefited by this mega auction is GT with the appointment of new captain and the old coaching staff. Now we will see a good mixture of a team of what the coach wants and what the captain think they want. And last year thoda yahi problem hui thi ki Hardik and Shami ka dono ka absence bahut zyada hurt kar gaya tha. Exactly. Ekdam se. You lost two of your pillars, simply said. It was all on Gill and Rashid, the two other two pillars. And Sai Sudarshan, then Sai Sudarshan, then you have a lot of more players there. Then, ek player, ek team, jisko I think results chahiye, and they are still looking for it. उन्होंने एक player को ही convert करवा दिया है अपने mentor में. Batting coach and mentor will be Dinesh Karthik. I think I still believe this is a very good move. Dinesh Karthik, overall, I think one of the legends. I'll say legends ही बोलूँगा मैं Dinesh Karthik को. His improvement, his cameos have been obviously a thing to good fact. He's been in the analysis business for as long as we say कि मतलब वही है कि वो part-time commentator या फिर analyst बन के फिर cricket खेलने चले जाता था. तो अब उसने वो proper role ही ले लिया है. मतलब धोनी भाई batting करने तो देर नहीं रहते Indian team में, तो भाई ने सोचा मैं analysis ही कर लूँ बीच में. Exactly. So I think it will be a very welcoming move. I am really hoping Anuj Rawat will stay in RCB. Because I would like to see how Anuj Rawat is under Dinesh Karthik's mentorship. Being very honest, I'm really excited to see him. I believe KL Rahul aa raha hai yahan pe, but koi nahi.
एक और चीज जो तूने देखी हो आजकल जो भी टूर्स हो रहे हैं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फोटोज ऑफ दिनेश कार्तिक एंड विराट कोहली गेटिंग अलोंग. वो एज ब्रॉडकास्टर गया, वो एज प्लेयर गया, बट वो कमराडरी चल रही है बिकॉज ऑब्वियसली कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन तो होती होगी. 10 मिनट में 8-9 मिनट अलग बात होती होगी, बट 1 मिनट बात होती होगी, भाई सामने वाला प्लेयर देख रहा है ये वो लीग देखी यहाँ से ले लेते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट गुड प्रोफाइल्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई द्रविड इज बैक होम. द्रविड आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप विद इंडिया आफ्टर दो वर्ल्ड कप कंसेक्यूटिव फाइनल्स, एक 50 ओवर, एक T20 वर्ल्ड कप एंड एक जीत जाना, he is going to the Rajasthan Royals. अब रॉयल वेलकम ही गॉट, मतलब रॉयल वेलकम मिल गया है. अब एक डिलेमा उसके माइंड में रहेगा कि अब भी संजू सैमसन को नहीं खिलाना या फिर चहल का क्या करना है. That will be a dilemma for him. Bro, if Rohit Sharma comes to RR and becomes the captain over Sanju Samson, I'm done. भाई हो गया मेरा. Disrespectful सा हो जाएगा. But I think Yashasvi Jaiswal is somebody who will be welcoming this move quite dearly, I'll say. राजस्थान के जो ऊपर कुमार संगकारा है अभी भी है इनके साथ, ये नहीं है कुमार संगकारा को हटा दिया, उसको हायर रोल दे रखा है. एंड व्हेन ही इज वर्किंग विद द रॉयल्स आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड कमराडरी टू हैव संगकारा द्रविड एंड भाई दीज आर द मेरे हिसाब से टू ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द 2010s 2020s एरा जब इन्होंने अपने आप को प्रूव करा है. कुमार संगकारा मैनेज द प्लेयर्स हैव बीन रियली गुड, लाइक राहुल द्रविड को ओवरऑल प्लेयर मैनेजमेंट इज समथिंग टू बी मार्वल एट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. एग्जैक्टली एंड वो इंडियन टीम में दिख रहा है. Exactly. हमने एक कैसे एक ट्रांजिशन फेज से निकाला और कितने तरीके से सारे प्लेयर्स मैनेज हुए, ईगोस मैनेज हुई हैं. आज तो थोड़ी सी ना राहुल के खेल तो मैंने देखा है. बिल्कुल. चलो दैट्स अ गुड इनफ वीडियो फॉर द डिस्कशन ओवर कोचेस एंड मेंटर्स. अब धीरे-धीरे टेंशन के रूल्स आ जाएंगे, वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दैट. सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड धीरे धीरे टेस्ट मैचेस की भी बात करते हैं, बारिश रुके तो बात कर पाए, वरना तो खैर छोड़ो. इस वीडियो का लाइक टारगेट हम 50 रखते हैं घंटा.